ये अच्छी गेंद, अच्छी लाइन, फिलहाल नीचे चलते हैं जहां पे साइरस हमारे पीछे मैच चल रहा है एंड वी आर नाउ विद वन ऑफ द नाइसेस्ट पीपल इन द इंडस्ट्री, मिस्टर सलमान खान, थैंक यू सो मच फॉर चैटिंग विद अस। यू डोंट से दैट, बट लॉट्स ऑफ नाइस पीपल इन द इंडस्ट्री, आवर रिलेशनशिप ऑफ द फील्ड इज रियली डिफरेंट। Absolutely, I was yesterday just seeing everybody checking into the hotel, everybody's hanging out together, eating together, so it's quite a wonderful atmosphere. That's true, no, well, I just got to know. Ridya Foundation mein diya hai in logon ne, they're going to do about 100 operations, charitable trust called Big Brother, I think. So, why a kamal hai, being human ke baad ye sab pehli bhi tha, abhi bhi hai, thoda sa fashionable, kaam achha ho raha hai, logon ki jaan bach rahi hai, ye 100 bachche, you know, who have no chance of survival because money cannot save their lives. Ab inke paas 100 bachchon ke paas ye aa gaye hain log CCL wale, jo ke, you know, they will give them a longer life and a healthier life. Aur phir Sachin Joshi bhi paise donate kar raha hai. I hope ke itne run banaye ke Sachin Joshi kangal ho jaye. I think that's what's happening. Sab yahi karne ki koshish mein hai. That's a great thought. Usko barbaad kaise kare Sachin Joshi. Batting practice dugni ho gayi. Salman, we're going to quickly do a segment with you. This is called Letters from Fans. Kuch बहुत सारे fans ने बहुत सारी चिट्ठियां लिखी हैं. हमारे पास हैं चार questions आपके लिए cricketing based. पहला ये कि in the film हम आपके कौन, रेणुका शाणे got मोनीश बैल out. Did you think Tuffy made the right decision at that point in time? देखो मोनीश बैल, रेणुका शाणे, टफी मुझे याद है. क्रिकेट हम आपके हैं कौन में कब था, मैच हो रहा था वहाँ पे, ये याद नहीं है. लेकिन मुझे ये पता है कि अभी कुछ ही दिन पहले 20 साल हो चुके हैं, 20 साल या 25 साल हो चुके हैं, 20 साल हो चुके हैं हम आपके हैं कौन. अच्छा, ऊटी में एक मैच चल रहा था जहाँ पर टफी ने LBW दिया था मोनीश बैल को, मोनीश बैल आउट हो गए. सही डिसीजन था, करेक्ट डिसीजन था. उस फिल्म में सब अब सुपर सेलिब्रिटी बन गए, अपेरेंटली द ऑल द बर्ड्स हैव आल्सो रिलैक्स एंड रिटायर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्रिकेटर वुड यू कंपेयर योर टू ब्रदर्स टू एंड योर सेल्फ विद? नन ऑफ देम, बिकॉज इट विल बी रियली ह्यूमिलिएटिंग फॉर दोस क्रिकेटर्स के माय ब्रदर्स हैव बीन कंपेयर्ड टू देम. बट अरबाज इज अ वेरी बिग क्रिकेट फैन एंड सोहेल ऑब्वियसली इज, एंड अरबाज ओनली वॉचेस क्रिकेट. And Sohail's love for cricket so much that he's become a part of CCL and we've got Mumbai Heroes. So yeah, और हमारा भी इतना लगाव है कि हमारे दो भाई हैं, तो जहाँ हमारे दो भाई हैं हम भी वहीं हैं. अच्छा, मैं जब सोहेल से बात कर रहा था तो amazing thing is one day we were watching cricket, me and my father, और बहुत धूप चल रही थी, सबके पसीने से यू नो टपक रहे थे. तो he says, देखो मेरी बात सुन ली होती तो आज तुम यहाँ पे खेल रहे होते. बिकॉज एज अ चाइल्ड ही वॉन्टेड मी टू प्ले क्रिकेट, सो मिस्टर सलीम दुरानी यूज़ टू कम टू कोच मी. मुझे ऐसा लगा कि यार ये दिन, ये सालों साल ये करना पड़ेगा, इसमें बहुत मेहनत है. सो व्हेन माय डैड यूज्ड टू कम टू वॉच मी, आई स्टार्ट प्लेइंग रियली बैडली एंड दैट गॉट स्टक. आई थॉट कि हाँ अच्छा खेलूंगा, चौके वौके मारूंगा, यू नो प्ले रियली वेल, तो ही इज गोइंग टू इनकरेज मी इनटू दिस फील्ड. जितना सीखना था मुझे उतना मैंने सीख लिया है. क्रिकेटर नहीं बनना मुझे, मुझे कहीं और जाना है. सो आई मूव्ड आउट. तो अब वो एक पहले का प्रिंसिपल जो हुआ करता था कि यू गॉट बी ए मास्टर ऑफ मास्टर वन, जैक ऑफ ऑल वॉज नथिंग. टुडे ये है कि हमारी स्पेशली हमारी लाइन के अंदर यू नीड टू बी जैक ऑफ ऑल, फिर बाद में टेक्निकल लोग आके उसको बढ़ावा देते हैं एंड यू लुक लाइक यू नो द मास्टर. एब्सोल्युटली, बट आई मीन यू आर द मास्टर, यू मास्टर अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ. पीपल अराउंड मी हैव मास्टर्ड मी टू टेक माय लेवल टू अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर. मैं सोहेल से बात कर रहा था तो आई वाज आस्किंग व्हेन यू गाइस यूज्ड टू प्ले एज चिल्ड्रन, डू यू रिमेंबर द फर्स्ट मैच दैट यू वर टेकन टू? The first professional match maybe your dad took you guys to? The first match that I was taken to was in Brabourn Stadium, and Philip uncle, he used to be a neighbor, he took me for a match. He used to be a big cricket fan and alcoholic, and he died of alcohol and a long time ago. He used to be a shippy, and he took me. I wonder how my parents let me go with him. You went alone with Philip uncle? Yeah. And I was sitting right behind, they could see like really small figures running around this other big stadium. I was like, yaar ye, and then when TV came, I said, yaar ye TV ka acha hai, high speed mein bhi dekh lo, repeat bhi dekh lo, you know. Of coming to a stadium is a different level. The amount of good energy that happens over here is unbelievable. Real cricket with celebrities is the best combination ever, and CCL is going to take it to the
to a different level only altogether because ek to celebrities hain aur from each industry they're really really you know popular you know celebrities who are playing take the whole fan following and they're not playing some idiotic amateurish cricket they're playing serious cricket so throughout the year all these boys even though they're working you know the sport the cardio that they're doing is they're only playing cricket our boys as well as all the boys you can see the level from the first season to now absolutely has improved in fact I was talking to these boys it's 7 o'clock training every single day for over a month with their given schedules which are busy that's quite a lot of love and dedication shooting pe nahi jata koi 7 baje cricket khelne chala jaise na ke party mein kabhi late mat ho shooting pe late ho to theek ho jata so out here it's a big party they love it everyone you know jitne bhi bachpan ki khwahishain thi wo sab ab yahan par puri ho rahi hain ke humko test khelna tha humko school se khelna tha humko college se khelna tha ranji se khelna tha to ab sab yahan par sab kya so now they are also they've got that the zest and they want to do it and it's a good feeling to be together and play this sport It's amazing. They have a WhatsApp group apparently where it's 4 hours of conversations happen only on how to crack and win the game. और दो तीन जोक भी आ जाते हैं बीच में. They're like totally and more than us, the South boys. They're playing. हम लोग तो एक डेढ़ महीने दो महीने से शुरू हो जाते हैं. Because everyone out here is like really really busy. वहाँ पर तो वो लंच ब्रेक में भी शाम को भी वहाँ पे चलते रहता है उनका क्रिकेट. So they're practicing all the time these boys. Salman, one last question is that okay, your dad wanted you to be the cricketer. If you were not an actor, what do you think you would most have enjoyed? Which something you'd be as happy doing in life? Something to do with the film industry only. I wanted to be a director, so I guess you know, a director would be the most enjoyable thing after acting. But now, I'm enjoying acting so much that direction is on hold for the longest time. Thank you so much for talking with us and speaking with us. Thank you very much, Salman Khan. Over to the wonderful match and let's see how that goes. Shukriya Cyrus. Ji haan, bahut hi mazedar, bahut hi dilchasp interview Salman Khan ke saath. Iske baad mein zarur iski bhi charcha karenge interview ki jo baatcheet ki Salman ne. Mere saath abhi bhi Atul hai aur filhal Chennai Rhinos ki baat kare to bahut hi mazboot sthiti mein thos shuruaat unke dwara. Achhi gendbazi kar rahe hain Varun Badola. Mujhe lagta hai ki रजनीश दुग्गल को और वरुण वडोला को पहले गेंदबाजी करानी चाहिए थी जिस तरह की प्रॉपर गेंदबाजी रखी है शुरू में अगर ऐसा प्रेशर बन जाता शायद कुछ फर्क पड़ता 12 ओवर के पास बड़े फ्लैम्बॉयंट क्रिकेटर थे कई बार उनको मिलने का मौका मुझे भी मिला सलीम दुरानी स्टाइलिश खिलाड़ी और कल ही हम बात कर रहे थे जो स्टाइलिश खिलाड़ियों की जो हैदराबाद से रिलेटेड रहे हैं कहीं ना कहीं कनेक्शन में उनमें एम एल जैसिमा और सलीम दुरानी का भी नाम आता है और बहुत क्रेजी क्रिकेट क्रेजी फैमिली है सलमान की अरबाज तो बहुत बड़े फैन है सोहेल भी और सलीम साहब भी जो यही रहता है कि जब आप खेल नहीं पाते तो फिर अपना जो है प्यार जो है और अपनी एस्पिरेशंस हैं वो कहीं ना कहीं पूरी करते हैं और सही कहा उन्होंने ये सभी खिलाड़ी जो हैं कहीं ना कहीं किसी लेवल पर क्रिकेट खेलना चाहते थे खेलते थे पर आर्टिस्ट बन गए और अब फिर वापस उनको मौका मिला है ये सब कुछ खेलने का तो इसीलिए आप जज्बा जो है इसके बारे में सोच रहा था मैं कि इतने एफर्ट आप फन के लिए नहीं लगाते हैं आप चाहते हैं कि अपने जो पीयर ग्रुप है अपने कंटेम्प्रेरीज हैं उनकी आंखों में इज्जत देखने के लिए क्योंकि अगर आप 50 रन बनाते हैं और आपकी टीम जीतती है उससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं बेशक आप 100 रन बना दें पर टीम आपकी हार जाती है तो कहीं ना कहीं किसी भी खिलाड़ी को निराशा होती है बेशक आपने 100 रन क्यों ना बनाए हो या 5 विकेट क्यों ना लिए हों अच्छा एयर में खुद का गेंद करते हैं शबीर आर्ट्स इनिशिएटिव को देती है भारत तैयार है अभी अब अगली बल्लेबाजी कराते हुए मौसम तो बढ़िया है तो यहाँ पे अब उनको झंडे दे दिए गए थे अब वो उन्हीं के पास वो झंडे हैं